दुनिया भर की ताजा अपडेट्स के लिए न्यूज 89 चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। धन्यवाद। बीती शाम यहाँ की दशमेश कॉलोनी में स्थित राजा निवास पर एक पुस्तक चशमदीद का अनावरण करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोगों ने अपनी हाजिरी लगवाई। जिक्र योग है कि उक्त पुस्तक के लेखक श्री भीमसेन राजा, जो कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, ने अपनी नजर के सामने जो पिछले 22 वर्षों के दौरान हुआ उसे इस पुस्तक में दिखाने की कोशिश की है। पुस्तक अनावरण के मौके पर जहां श्री भीमसेन राजा जी का पूरा परिवार शामिल था, वहीं शहर के कई गणमान्य लोगों ने भी लेखक राजा जी को इस मौके पर बधाई दी। इस अवसर पर जहां मंच संचालन कर रहे समाज सेवी श्री प्रदीप नंदा ने उक्त पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया, वहीं इस अवसर पर लेखक भीमसेन राजा व उनके परिवार ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ससुरे हाथ में जो है सो है, जो नहीं वो नहीं। आज का दिन हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ दिन है कि मेरे बहुत ही परम मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे गहरे दोस्त श्री भीमसेन राजा जी ने एक किताब लिखी है चश्मदीद 70%। इस किताब के अंदर उन्होंने अपने पर्सनल तजर्बे इस तरीके से डाले हैं कि जो भी शख्स इस किताब को पढ़ेगा उसको ऐसा महसूस होगा ये सब कुछ मेरे साथ बीती हुई है। टोटल एक जनरल फिलॉसफी है, भाई का भाई के साथ रिश्ता, माँ का बेटे के साथ रिश्ता, दोस्त का दोस्त के साथ रिश्ता, धर्मनिरपेक्षता, हर चीज को टच करके उन्होंने इस बुक को लिखा है। जब मैंने आप पत्रकार साथियों को फोन किए तो आप में से सब बड़े हैरान हुए कि भीम राजा जी भी राइटर है। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि 22 साल पहले इन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, मिलो तो सकूं ना मिलो तो सकूं, दर्द में दर्द का एहसास कहां होता है। तो हम जो इनके साथी हैं, हम ख्याल है, जैसे जैन साहब हैं, कीर्ति जी हैं, हम इनको बहुत देर से कह रहे थे कि आप जो आप शब्दों में बोलते हो उसको कलम से कागज पर ले आओ, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आओ। तो जब ये लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लगा, इनकी फैक्ट्री बंद रही, तो इन्होंने वो टाइम जाया नहीं किया, वो टाइम वेस्ट नहीं किया, उसको जो अपनी सोच है, जो इनकी फिलॉसफी है, उसको कलमबद्ध किया। इसलिए स्कूल या कॉलेज टाइम तो मैंने शौक सी, तो मैं लिख के अपने को रखता है, कुछ कॉलेज पब्लिश हो गया मैगजीन, बाकी मैं अपने कलेक्शन रखी। टाइम तो तुसी ये बुक लिख रहे हो, बुक दे विच जो कंटेंट है ना, ये तो नवे पुराने सारे मिक्स करके लिखे हुए हैं, लेकिन बुक नू 2 साल हो गए हैं लिखते हुए, तो पूरा कंप्लीट फील हो रहा है तुम्हारी बुक का प्रमोशन वगैरह की फील तो हूँ। बाकी तुसी कराओगे जे मेरे बुक दी प्रमोशन मिलेगी। तुसी जदा बुक रिलीज की है, थोड़ा और बिजनेस की है, किस तरह टाइम कढ़या तुसी इहदे लई? इह तो लॉकडाउन दे विच जिहड़ा हो गया पॉसिबल होया, बाकी तो बिजनेस रूटीन च चलदा ही है। आने वाले टाइम दे विच और बाकी पब्लिक रिस्पॉन्स से जितना मिलेगा उस तो बाद सोच के जरूर लिखा कंटेंट है। किताब तो लिखा है भी परपज भी जो कलेक्शन आप लिखते रहे करते रहे कट्ठे उन्होंने कट्ठे करके जमा करके अपने को रखिए, अपना एक्सपीरियंस बाकी लोगों में शेयर करिए। जो बुक पढ़ोगे जागरूक भी है, एक्सपीरियंस तो शुरू तो जिन्हें भी लिखते रहे उस इकट्ठा करके लिखे, बाकी नवा भी है कुछ पुराना भी है, सब वस्ते है। हाँ जी, एक बड़ी फेमस कोट है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल जो है एक स्टेप से शुरू होती है,
तो अब ये मेरे फादर जो हैं, जो बचपन से आप कह लो कि स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से इनको था शौक लिखने का, तो ये हमेशा से लाइफ के ऊपर लिखते थे, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, और ये अभी तब से भी नहीं उसके बाद भी लिखते रहते, बट ये था कि हाँ जो कलेक्शन था इनका लिखने का तरीका वो एक तरह से बस वो कागज़ों में रह गया। तो अब जैसे अब लॉकडाउन था तो हम सब ने इनको गुजारिश की कि हाँ आप ज़रूर उसको जो भी आपने लिखा है पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस उसको अब जो आपने सच में जिया है उस चीज़ को उसके साथ कंपैरिजन करके इसको लिखिए। तो इन्होंने वही सारे जो आपके लिए एक जेम्स हो गए हमारे कलेक्शन लाइफ के वो एक इस बुक चश्मदीद में इन्होंने डाला है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है, जैसे मेरे जैसे यूथ भी, स्टूडेंट्स भी, या बिजनेसमैन कह लो या कोई भी, क्योंकि ये लाइफ के ऊपर है। जैसे अंकल ने जरूर यही कहा कि हाँ इसे हम एक हर एक रिलेशन, अब भाई भाई का रिलेशन, बिजनेस के ऊपर हमारे हर किसी के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बट एक जनरल एक रहता है कि हमारा कुछ ना कुछ उसमें सबका एक जोड़ है, सेम मीनिंग वही रहेगा लाइफ का, जो हम जीते हैं वो तो मेन है, बाकी पर्पज़ अलग अलग हो जाएंगे, हमारे बिजनेसेस अलग अलग होगी, बट एक जीने का तरीका वही है। और मैंने पापा की बुक पढ़ी है, जैसे कि आप पूछ रहे हो कि ये बुक पढ़ के पापा ने जो लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं उससे मुझे लगता है कि हमें ज़िंदगी की कला सीखने को भी मिल रही है। जैसे कि पापा की बुक की एक पंक्ति है कि छुन छुन करके बजते जाओ, बजना ही है तो बजते जाओ, लेकिन बजना है तो किसी के काम आ जाओ। यानी कि ये हमारी बुक ये भी सिखा रही है कि अगर हमने ज़िंदगी में किसी के हम काम नहीं आए तो उस ज़िंदगी का क्या मीनिंग रह जाता है। तो अदर देन द लाइफ एक्सपीरियंसेस मुझे लगता है कि रीडर को ज़िंदगी की जीने की कला पता लगेगी। और बाकी मैं एक ये भी कहना चाहती हूँ कि किताबें पढ़ने का चाह कहाँ रह गया है सोशल मीडिया आने के बाद, किताबें पढ़ने का शौक कहाँ रह गया है सोशल मीडिया पढ़ने के बाद। खैर छपी है तो कुछ नया ही होगा, और ज़्यादा बड़े टॉपिक भी नहीं हैं, आँखों की कसरत हो जाएगी। दीज आर द बेस्ट लाइन्स फ्रॉम पापाज बुक दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर। थैंक यू। राजपुरा से दया सिंह की खास रिपोर्ट, न्यूज 89 पंजाब। पेप्सू टाउनशिप डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब के वाइस चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा जी दे नाल जुड़न लई 9990107900 नंबर ते मिस कॉल करो जा एना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा ते फॉलो करो।